मैं इस कंपनी के लिए कई सालों से काम कर रहा हूँ। तुम्हारे बेटे सलमान को एक कामयाब बिजनेसमैन बनाने में मेरी बड़ी खदमात हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे रफ्ता रफ्ता बिजनेस में उरूज हावी होने लगी है, जैसे हर चीज को वो कंट्रोल करना चाह रही है। रूज इतनी शार्प है, देखने में तो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती। तुम समझाओ ना सलमान को, बिजनेस के फैसले तो सलमान करता है और यहाँ के फैसले तुम। अब सलमान मेरी नहीं, सिर्फ अरूज की सुनता है। महरीन तुम तो मेरी बात सुन लो, फौरन अरूज को ऑफिस जाने से मना करो, वरना वो हम सब की जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। बस आई, आ गई तुम्हारी अरूज बीबी। जी आ रही है छोटी बीबी साहिबा। जी आंटी, आपने बुलाया? बुलाया है, तभी तो तुम आई हो यहाँ। और वैसे भी अब पता कहाँ चलता है कि तुम हो कहाँ। वो बड़ी बीबी साहिबा, मैं जाऊं? खड़ी रहें यहीं पे। अरुज तुम जानती हो अदरीस भाई सलमान के क्या लगते हैं? जी मैं जानती हूँ। अदरीस भाई इस घर के बड़े हैं। ये सब बातें तो मैं जानती हूँ आंटी। अच्छी बात है कि तुम सब जानती हो, और तुम्हारा जानना जरूरी भी है। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कोई नामुमकिन बात कर दी मैंने? जाइए, अब आप भी जाइए। जी बड़ी बीबी साहिबा। मेरी नानी ने बात ही ताया जान के रिश्ते और घर के बड़े होने से शुरू की। क्यों? आखिर ताया जान को मेरे ऑफिस में काम करने से इतना इशू क्यों है? कल तक तो वो ऐसे नहीं थे। कहीं ऐसा तो कोई राज नहीं है जो छुपाया जा रहा है, और मेरी वजह से वो खुल सकता है? लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? सिर्फ अकाउंट्स ही तो देख रही हूं। यानी अगर कोई राज है तो वो अकाउंट्स में है। Thank you.
अरुज, खैरियत है? अपनी संजीदगी से क्या सोच रही हो? एक बात बताओ मुझे सलमान, तुमने ही मुझे कहा था कि ऑफिस चली जाओ, और बाद में खुद ही मना भी कर दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ तुमने ताया जान के कहने पे किया है? हाँ। लेकिन तुम क्यों ये पूछ रही हो? कुछ नहीं। आइंदा मुझे ऑफिस जाने से मत रोकना। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जा सकती हो तुम ऑफिस। बॉस, मैं आपसे कह रहा था ना, मैडम उरूज का कुछ कर ले। उरूज आई ऑफिस? जी, और बहुत एक्टिव भी है। यानी मेहमान भी इसे रोक नहीं सकी और वही सब कुछ सलमान पे जोर दे रहा है। मैं कुछ समझा नहीं बॉस। नहीं कुछ नहीं। हाँ, तुम ये बताओ कि अब क्या किया उरूज ने? नहीं किया तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ करने वाली है, बड़ा धमाका। सासा बिल्डर्स की सारी फाइल्स मंगवा ली हैं, और बॉस जितनी वो जहीन है ना, मुझे डर है कि हमारा भांडा ना फूट जाए। फजूल बातें मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ बस। तुमने वैसे ही सब कुछ बहुत समझदारी से किया, पकड़ना इतना आसान नहीं है। तुम बस मुझे हर वक्त पल पल की खबर देते रहो, समझे? जी बॉस, बेफिक्र।